हे गाइस वेलकम टू टेकगुरु। मेरा नाम विवेक और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कॉमकेयर एलटीएस का जो हमारा मॉड्यूल नंबर 3 है जिसमें हमको girhbhraman करना है किसी भी बच्चे का। तो आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही नीचे का जो बेल आइकन दिख रहा है उनको प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप अपडेटेड रहे। साथ ही आपको इसमें किसी तरह का दिक्कत है तो आप सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करके वहां आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं जिनका सोल्यूशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो फ्रेंड मैंने पहला मॉड्यूल और दूसरा मॉड्यूल मैंने कंप्लीट करवा दिया था तो आज का हमारा मॉड्यूल नंबर 3 है। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो स्टार्ट करने के लिए हमें चलना होगा अपने फोन स्क्रीन पे, तो चलिए चलते हैं अपने फोन स्क्रीन पे। तो इसके लिए फ्रेंड सबसे पहले आपके पास जो है यूजर आईडी और यूजर पासवर्ड से आपको कॉमकेयर एलटीएस का जो एप्लीकेशन है उसमें आपको सिंपली लॉग इन कर लेना। और जिस भी बच्चे का आप girhbhraman करना चाहते हैं जो हमारा मॉड्यूल नंबर 3 है तो उसमें आपको उस बच्चे का जो होता है कोई भी टीकाकरण होता है तो उस पे जो कार्ड मिलता है उस कार्ड को आपके पास होना जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास एक बच्चे का कार्ड है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉग इन करके दिखाता हूँ, आगे की प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे चलिए देख रहे हैं आप लॉग इन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ग्रीन कलर में है फॉर्म भरे, तो इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। ओके क्लिक करेंगे तो 3rd नंबर का मॉड्यूल है मेरे पास girhbhraman, तो यहाँ पे चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें सबसे पहले तो बच्चे की माँ की नाम बताता है और नीचे आपको बच्चे की नाम बताया जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी आ जाता है अगर आप परिवार प्रबंधन जो फर्स्ट मैंने मॉड्यूल बताया था जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। साथ ही कॉमकेयर को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में वो भी आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो यहां पे आपको बच्चे का नाम मिल जाता है कि किस बच्चे को हमको करना है। तो चलिए मेरे पास है जिस बच्चे का कार्ड वो बच्चे का नाम है, यहां पे आप चलिए देख रहे हैं बच्चे का नाम है अंकिता कुमारी और इसकी माँ की नाम है रीना कुमारी। आप यहां पे उसको अगर क्लिक करते हो तो सारे ऑप्शन आपके सामने दिख जाता है कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सारे कुछ यहाँ पे आपके सामने आ जाता है। ओके तो चलिए सबसे पहले आप आगे की प्रोसेस बताते हैं कि इसमें आप girhbhraman कैसे कर सकते हैं। तो इसमें है ऑप्शन आगे बढ़े, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज आएगा जिसमें आपको लिखा है संपूरक आहार, तो आपको उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक फॉर्म लोड होता है लोड में जिसमें आपको बताया जाता है कि ऊपरी आहार के बारे में आप जानकारी देना चाहते हैं, फिल्म दिखाना चाहते हैं, तो अगर हाँ तो आप हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ओके देन यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो बच्चे की नाम आ जाती है कि क्या नाम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे की नाम है अंकिता कुमारी। ओके तो चलिए एक और नेक्स्ट है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, बच्चे का नाम अगर चेंज करना चाहते हैं तो अगर आप हाँ करते हैं तो नेक्स्ट करेंगे तो आपको बच्चे का नाम देना है, अगर नहीं चेंज करना चाहते हो तो यहाँ नहीं कीजिए। तो चलिए इसका नहीं चेंज करना है नहीं। उसके बाद यहाँ पे टैबलेट की बात करती है कि आयरन का जो गोली होता है वो दिया गया है, अगर दिया गया है बच्चे को तो आप हाँ कर दीजिए अदरवाइज नहीं कीजिए, तो वो आप पूछ लेंगे जो इनके मम्मी होंगे या पापा होंगे उनसे आप पूछ लेंगे। ओके देन नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे बच्चे स्तनपान कर रहा है, तो अगर हाँ कर रहा है तो हाँ नहीं तो नहीं। ओके चलिए तो नेक्स्ट करेंगे तो फिर पूछ रहा है बच्चे पिछले 24 घंटे में कुछ चावल गेहूँ ऐसे कुछ चीज़ें खाए हैं, तो अगर खाए तो हाँ कर दीजिए नहीं तो नहीं। अगर पिछले 24 घंटे में बच्चे दाल काजू बादाम अखरोट खिलाई गई है तो अगर खाई है तो हाँ कीजिए नहीं तो नहीं। ओके जनरली आप ये पूछ सकते हैं जो बच्चे की माँ, तो यहाँ पे मुझे सारा जानकारी इनके बारे में कि क्या खाया नहीं, तो आप उस हिसाब से भर सकते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट है क्या पिछले 24 घंटे में बच्चे ने दूध पिया है या दूध से बनी कुछ चीज़ें जैसे खीर कुछ हो गया पनीर ये सब खाइए, तो अगर हाँ तो हाँ कीजिए नहीं तो नहीं। ओके देन 24 घंटे में मांस मछली चिकन या कलेजी कुछ भी खाइए, तो अगर खाइए तो हाँ नहीं तो नहीं। ओके 24 घंटे में क्या बच्चे को अंडा दिया गया, तो अगर हाँ तो हाँ नहीं तो नहीं, आप ये चीज़ जानकारी पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है क्या विटामिन ए, जैसे कि विटामिन ए अब किस चीज़ में आ गया, गाजर शकरंजी पत्तेदार सब्जियाँ सूखी खुआबिन ये सब सारे चीज़ें में जो है विटामिन ए पाया जाता है, तो ये चीज़ खाइए, तो अगर हाँ तो हाँ नहीं तो नहीं। चलिए फिर है नेक्स्ट हरी सब्जी और फल दी गई है, तो अगर हाँ तो हाँ नहीं तो नहीं, ये चीज़ सारी करती। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को खाना खिलाने से पहले जो है माँ ने साबुन से अपने हाथ धोया था, तो ये चीज़ आप कंपलसरी है आप पूछ लीजिएगा, तो अगर धोया था तो हाँ कीजिए और नहीं धोया था तो नहीं कीजिए। चलिए ओके देन नेक्स्ट है देन क्या पिछले 24 घंटे में बच्चे ने कितनी बार खाना खाया, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कितनी बार, एक बार ऑप्शन है, दो बार, तीन बार, चार बार से ज़्यादा बार पिछले 24 घंटे में भोजन भी नहीं खाया सबसे पहला ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे आप उससे पूछ लेंगे कि कितनी बार बच्चे खाते, अगर 6 माह से अधिक है तो बच्चे पानी पीना खाना हल्के दूध वूध ये सब पीना शुरू कर देते, तो यहाँ पे आप उस हिसाब से ऑप्शन देना शुरू कर देंगे। ओके चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट कर लेते हैं। फिर 15 दिनों में क्या पिछले 15 दिनों में बच्चे ने दस्त किया था, मतलब समझ रहे हैं
तो ये चीज़ आप वहाँ से पूछ लेंगे, अगर किया था तो हाँ कर दीजिए, नहीं तो नहीं। अगर हाँ करते हैं यहाँ पर और नेक्स्ट स्टेप जाते हैं तो बच्चे को ORS दिया गया और भी कोर्सेस हैं वो आपको करना होता है। तो चलिए, मुझे तो इसको तो तबीयत ख़राब है नहीं तो नहीं करते हैं। देन फीवर का बात आ जाती है, तो अगर हाँ तो फिर आगे भी और भी स्टेप है तो वो भी आप कर लेंगे आसानी से। तो इसको नहीं आया फीवर तो नहीं कर दीजिए, ओके। देन यहाँ पे अब आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि बच्चे का टीकाकरण कार्ड उपलब्ध है कि नहीं। अगर आपके पास है या माँ के पास है तो आप हाँ कीजिए, अदरवाइज अगर आप नहीं करते और नेक्स्ट प्रोसेस जाते हैं तो वो फाइनल सबमिट हो जाता है। तो इसके पास तो अभी फ़िलहाल है, तो चलिए हाँ कर देते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबी बनेगी क्योंकि इसमें कुछ फुल डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप इस चीज़ को घबराइएगा नहीं कि वीडियो थोड़ा लंबी क्यों बन गई है। चलिए, यहाँ पे सबसे पहला चीज़ है क्या, अगर हाँ कर देते हैं आप टीकाकरण कार्ड में तो आपको सबसे पहला है कि DPT और हेपेटाइटिस दिया गया है। DPT में मतलब वही हो जाता है जो पेंटा होता है। तो यहाँ पे चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ मेरे पास जो कार्ड है उसमें DPT या पेंटा दिया गया है कि नहीं। तो इसको पेंटा का जो है वो वैक्सीन इसको पड़ा हुआ है। अब चलिए हम देखते हैं DPT का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे DPT इनको नहीं पड़ा और ना ही हेपेटाइटिस बी का सुई पड़ा है। तो चलिए इसको मैं छोड़ देता हूँ, नहीं पड़ा है। तो अगर आपको पड़ा होगा तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना, देन नेक्स्ट करेंगे, ओके। फिर जेई का जो होता है, जो बुखार का, जो फीवर का जो आया है, जिसने पिछले साल आई थिंक कि मुजफ्फरपुर में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई, तो उसका जो सुई है अगर इसको पड़ा है तो आप हाँ कर दीजिए, अगर नहीं पड़ा है तो आप नहीं कीजिए। तो चलिए यहाँ पे इसको पड़ रखा है तो हाँ कर देते हैं, ओके। देन पोलियो खुराक 1, अब पोलियो का ही नाम आपके जो सुई कार्ड होगा, जो कार्ड होगा उसमें आपको लिखा होगा OPP, तो OPP यहाँ पे इसको पड़ा है। तो चलिए यहाँ पे हाँ कर देते, ओके। OPP आप यहाँ पे अगर हाँ करते तो आपको वो डेट पूछेगा किस डेट को है। तो चलिए यहाँ पे है डेट, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाते तो 14 मई, ओके। तो मई यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ और 2019 को, ओके। तो अगर ये अगर आप गलत भरेंगे तो ऑटोमेटिक आपको नहीं लेगा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे फिर हेपेटाइटिस बी 0 का सुई पड़ा है, तो चलिए मैं इसको चेक करता हूँ। हेपेटाइटिस बी 0 तो जी नहीं, हेपेटाइटिस बी 0 का सुई को नहीं पड़ा है, तो यहाँ पे हम नहीं करते हैं, ओके। अगर हाँ करते हैं तो यहाँ पे फिर आपको वहाँ पे डेट देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसको नहीं पड़ा है तो नहीं करते। BCG प्राप्त हुआ है, हांजी जी इसको BCG प्राप्त हो गया तो हाँ करिए। चलिए अपडेट मांग रहा है, ओके। तो यहाँ पे आप डेट दे देंगे अपने कार्ड से देख के कि किस डेट को पड़ा था, तो इसको 12/4/19, तो यहाँ पे मैंने दे दिया 12 अप्रैल और 19, ओके। अगर यहाँ पे आप गलत देंगे तो ये नहीं लेगा, ओके। देन यहाँ पे JE का जो है टीकाकरण जो मैंने पिछले बताया तो वो कब पड़ा था, तो यहाँ पे JE 1 है, इसको पड़ा था कुछ दिन ही पहले पड़ा था, 17 जुलाई और 2020, ओके। तो इसी 17 जुलाई को इसको पड़ा था खसरा 1। अब चलिए खसरा 1 को हम देख लेते हैं यहाँ पे, खसरा 1 जी हाँ इसको पढ़ रखा है खसरा 1, तो हाँ कर दीजिए। अब कब पड़ा था, तो 13/1/2020, 13 जनवरी 2020 को इसको पड़ा था, ओके। देन पेंटा 1, तो पेंटा 1 का इसको सुई पड़ा है, जी हाँ पेंटा 1 को पड़ा है। तो चलिए यहाँ पे वो मैं बता दे रहा हूँ कब पड़ा है, वो डेट दे दे रहा हूँ 14/5/14 मई 19 को, ओके। देन नेक्स्ट करते हैं, पोलियो खुराक 0 प्राप्त हुआ है, तो पोलियो तो वही हो गया, ओपी भी 0 तो नहीं पड़ा है इसको, तो OPV 3 पर रखा है, OPV 0 नहीं पड़ा है, ओके। तो इसको हम नहीं करते हैं, ओके। अगर हाँ करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है डेट का है। इसके बाद है विटामिन A1, तो इसको हम चेक कर लेते हैं अपने इसमें, तो हाँ पड़ा है इसको, तो वो डेट आप चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम करेंगे तो हमको डेट मांग लेगा। तो डेट में क्या है, 13 जनवरी और 2020, ओके। देन नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट में क्या है हमारा, क्या पेट के कीड़ों की दवाई विटामिन A के साथ दी गई, तो आप ये चीज़ पूछ लेंगे, दी गई तो हाँ कर दीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए, ओके। तो इंजेक्शन पोलियो खुराक प्राप्त हुआ, चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ, तो इसको नहीं पड़ा है तो ओके नहीं कर देते, अगर पड़ा होगा तो डेट मांग लेते, ठीक। यहाँ पे आपको कुछ सेकंड का टाइम लेगा, यहाँ ठीक है ऑप्शन आप क्लिक कर दीजिए, जिसमें आपको बताया जाता है कि एप्लीकेशन अगले टीकों की अनुसूची के लिए तैयार हो रहा है, तो इसको आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट करने के बाद ये कुछ सेकंड का टाइम लेता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। तो फ्रेंड, इस प्रोसेस में आपको किस तरह का दिक्कत है तो आप ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फॉर्म सफलतापूर्वक भेजा गया, आपके अभी भी स्क्रीन पे है।
तो इस तरह से आपको ये फाइनल प्रोसेस नहीं हुआ। फाइनल प्रोसेस क्या है तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये आपको करने के बाद इसमें जितने भी मॉड्यूल है सारे करने के बाद आपको सिंपली फॉर्म भेजे, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे अभी मेरा सर्वर डाउन है यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम दे रहा है। आपको सिंपली ये क्लिक करना है, फॉर्म भरे, इस पर सिंपली क्लिक करना है, देन ही आपको ये जाता है आपके मोबाइल पे या आपके सर्वर पे। तो इस तरह से आप थर्ड हमारा जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे, देन हम आने वाले फर्दर वीडियो में वन बाय वन सारे मॉड्यूलों को कवर करेंगे। तो अगर फ्रेंड आपको इसमें किसी तरह का दिक्कत है तो ज़रूर शेयर कीजिए, साथ ही मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।